खंड से आए, जो पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ, एक तरफ धन बल और बाहुबल की ताकत थी, दूसरी तरफ आपका आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके बदलत माननीय बाबू आज दिल्ली में अग्रिम कतार में बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और मित्रों, विस्तार से माननीय नेता ने आपको बताएंगे, लेकिन हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी के नाक आंख कान है, जो बूथ अध्यक्ष होते हैं, जो कार्यकर्ता, जो सचिव होंगे, वही हमारी सरकार की योजनाओं का, पार्टी की नीतियों का प्रकटीकरण होगा, उसके बारे में आप जानकारी देने वाले होंगे। तो हम तो समझते हैं कि पार्टी की सबसे मजबूत इकाई बूथ अध्यक्ष और बूथ सचिव होता है। माननीय रामचंद्र राव की यह परिकल्पना थी कि पूरे बिहार के अंदर में तमाम विधानसभा क्षेत्र में जनता दलों का पंचायत अध्यक्ष तो हो गया, लेकिन अब बूथ तक के अंदर जाएंगे तो पार्टी की और मजबूती मिलेगी और दिशा में हमको सफलता मिली है। हम इसके लिए आप तमाम साथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, विस्तार से हमारे नेता हम बताएंगे, लेकिन ये सवाल इस बात के लिए है, आप तमाम लोगों ने अपनी मांगे रखी, अपनी बातों को रखा, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपने यह भी साथ साथ कहा कि पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी के प्रति हमारा सम्मान है, निष्ठा है। तो हम समझते हैं कि पार्टी का नेतृत्व आपकी बातों को सुन लिया है, आपने किया है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता को सम्मान के लिए धैर्य धारण करना चाहिए। मित्रों, मुकाबला किससे है, विस्तार से हम लोग बताएंगे। हम तो केवल बूथ अध्यक्ष और सचिव को एक ही बात कहना चाहते हैं, 15 साल बनाम 15 साल, और हम जनता दल के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि बहुत दूर मत जाओ, अपने गांव के विकास की तस्वीर को अपने दिमाग में कैद कर लीजिए, कहीं हम तो ही काम किए हैं, दूसरा कौन काम किया था सो बताओ। आपका गांव का काम विस्तार हो, काम के बारे में बोलेंगे तो लंबा चौड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुकाबला किससे है आपको, एक ही बात ध्यान रखिए, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। एक तरफ है कानून का राज, जिसके कौन लायक है, माननीय नीतीश कुमार जी, और दूसरा तरफ कौन है, कैदी राज है। वो कैदी राज वाला क्या है, लालू यादव है। अब कहा है, याद रखिएगा, बूथ अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ता, इस सूत्र में बता रहा हूं, जैसी पूछेगी मुकाबला किससे होना है, कहिए कैदी राज, कैदी नंबर 3351 लालू यादव। बताइए जनता किसको पसंद करेगा, कैदी राज को पसंद करेगा, गुंडा राज को पसंद करेगा, कि जनता को कानून का राज चाहिए। कैदी राज बनाम कानून के राज के बीच मुकाबला है। और माननीय रामचंद्र बाबू ने आपको बताया कि पार्टी के साथियों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा, जिसमें पार्टी के बूथ के अध्यक्ष और बूथ के सचिव को जानकारी दी जाएगी कि हमने कौन कौन सा काम किया है। हम तो चुनौती लेना चाहते हैं, कैदी राज का बेटा तेजस्वी यादव, हमारे बूथ के अध्यक्ष और सचिव से तुम 15 साल बना 15 साल की उपलब्धि पर बात कर लो, तुमको ये पता चल जाएगा कि जनता दल के बूथ का कार्यकर्ता बौद्धिक रूप से कितना मजबूत और संघर्षशील है। बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है, आप मुकाबला कर लो, हमारे बूथ के अध्यक्ष से कितना ज्ञान है कि दिन भर हमने काम किया है, आपके गांव की सेवा की है, आपके पंचायत की सेवा की है, और बहुत कुछ क्या करना है। तो बहुत सही, चाणक्य के इलाके से रात में भी अगर पटना जाना है मरीज को लेकर के, तो हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, नहीं ना बगला मुखी नहीं पढ़ना पड़ता है, नीतीश बाबू का चेहरा खाली याद रख ले जाते हैं, कोई गुंडा लंपट पहन कर नहीं होता है, जो मुझे रात को मेरे घर से निकल जाए, किसी की औकात नहीं है, जो हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ की घटना कर दे, किसको कहते हैं कानून का राज, यही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मित्रों, हम आपसे केवल यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व करो और कानून का राज
मुकाबला है। अब हम अपने काम के बदौलत है, पूरे समाज में तनाव के बदौलत है, और हमने ये करके दिखाया है। यही लखीसराय का इलाका है जहाँ हसनपुर में नरसंहार हुआ था। ट्रक चलता था ना, कैसे चोटी निकाल के रखता था, किसे पैसा देंगे? है हिम्मत किसी को? आज है कल्याण किसी को कि किसी कानून के राज के समाज को चुनौती हमको दे? इसलिए हम आपसे ही निवेदन करना चाहते हैं, आप हमारे आंख नाक कान हैं, हम आपको ही भरोसा देना चाहते हैं कि हमने इस बिहार की तस्वीर बदल ली है। जनता का आशीर्वाद कायम रहा और आपका सहयोग कायम रहा तो अभी तस्वीर बदले है, तकदीर बदलने की आएगा नहीं, आपका सहयोग रहा तो इस बिहार की तकदीर को बदल देंगे। धन्यवाद।